पांच मिनट भी हमें खड़े रहने नहीं दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी ताकत के साथ, बलवंता के साथ जनता को शांत करने का, बिजली का हमें शांत करने की कोशिश की जा रही है। देख रहे कैसे दिल्ली पुलिस वाले मुझे पर बर्बरता से डिटेन कर रहे हैं। देश जिस तरह से लगातार आप लोग देख रहे हैं फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में पिछले 10 दिनों से किस तरह से युद्ध चल रहा है, उस चीज को लेकर जो है भारत में भी कई ऐसे जगहों पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक बार हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है फिलिस्तीन के समर्थन में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। एक बार तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और साफ तौर पर दिखाइए एक बार कि यहाँ पर जो है अब इन्हें डिटेन भी किया जा रहा है साफ तौर पे, और इन्हें जो है डिटेन करके साफ तौर पे अंदर लेके जाया जा रहा है। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं किस वजह से देख रहे हैं हम कि लगातार पिछले कुछ सालों में गाजा पे जो पैलेस्टाइन का इलाका है उस पर इसराइल कब्जा करे जा रहा है चाहे वो वेस्ट बैंक जाए गाजा हो, और उसके बाद जब उसका कोई अपोजिशन में कोई जवाब मिलता है पैलेस्टाइन की तरफ से, गाजा को लगातार बम्बार्ड कर रहा है इसराइल, लेकिन धीरे धीरे जो है आप लोगों को डिटेन किया जा रहा है। तस्वीर दिखाइए, ये दिखाइए किस तरह से जो है ये लोग जो है साफ तौर पर लेकर आए थे फिलिस्तीन की जनता के संघर्ष के पूरे समर्थन में। यहाँ पर जिस तरीके से आप फांसीवादी सरकार दमन कर रही है, पुलिस यहाँ पर इकट्ठा हो गई है, आज शांति के प्रदर्शन भी किए नहीं कर सकते। इस पर हम लोग पैलेस्टाइन के समर्थन में, ये देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के नाम से ही जाना जाता है। देखिए एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को किस तरह से दबाया जा रहा है। आज सिर्फ हम पैलेस्टाइन के मुक्ति संघर्ष के समर्थन के लिए आए थे, लेकिन पांच मिनट भी हमें यहाँ खड़े रहने नहीं दिया। इसराइल के ज़ायनिस्ट फोर्सेस को, नेतन्याहू को, लेकिन
लेकिन मेहनत का शर्ता को फायदा नहीं है। हमारी यहाँ से अपील है सभी सिटीजन से, इस वॉर से आम जनता को कोई फायदा नहीं है। भारत की भी, फिलिस्तीन की भी, इसराइल की भी, यूएन को इंटरवीन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दोनों देश के इसराइल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच में वो कह रहे हैं स्थापित करने की कोशिश की जाए और इस तरीके के वॉर को खत्म किया जाए। इससे केवल और केवल वर्ल्ड इकोनॉमी और ज्यादा रिसेशन में जाएगी और फायदा केवल और केवल मोदी समर्थन में इसराइल के मोदी जी के समर्थन में उतरे हुए हैं। देखिए मोदी जी उस कट्टरपंथी धारा को, उस साम्राज्यवाद की धारा को समर्थन में दिखाई पड़ते हैं जहाँ पर उनको भारत की जनता से, इसराइल की मेहनत का जनता से, फिलिस्तीन की मेहनत का जनता से कोई मतलब नहीं है। आज लाखों लाख संख्या में सारे मानवाधिकारों का हनन करते हुए फिलिस्तीन के लोगों पर हमला हो रहा है। उनका इकोनॉमिक ब्लॉकेट हुआ है। वो एक ऐसी फिलिस्तीन के लोग, वो लोग हैं जो एक ओपन एयर प्रिजन में रह रहे थे कई सालों से। हमास को लेकर क्या कहेंगे? हमास तो आज जिसको एक आतंकी हमला बताया जा रहा है व्यापक डिस्कोर्स में, वो पैलेस्टाइन की जो दबी हुई शोषित जनता है उसका कई दशकों का आक्रोश है। आप किसी जनता को सालों साल दशकों दशक दबा कर रखेंगे तो क्या वो वापस बोलेगी नहीं? क्या वो चुप हो जाएगी? तो वही एक डेस्परेट हताश अटेम्प्ट के तौर पर हमास के अटैक को देखा जाना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा है कि किस तरीके से पैलेस्टीन की बेकसूर जनता को आए दिन इकोनॉमिक ब्लॉकेट करके, फूड, वाटर सब कुछ ब्लॉक करके उनको मारा जा रहा है लाखों की संख्या में। तो साफ तौर पे तस्वीर देखिए किस तरह से जो है चुन चुन कर एक के बाद एक को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। लगातार आप पीछे ये बस देख सकते हैं, यही जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बस है और लगातार जिस तरह से जो भी लोग यहाँ पर या तो नारेबाजी कर रहे हो या फिर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो है धीरे धीरे किस तरह से डिटेन किया जा रहा है। एक बार तस्वीर दिखाइए कि यहाँ पर जो है अभी एक व्यक्ति फिर से मिले, उसको जो है यहाँ पर डिटेन किया गया और लगातार ये डिटेनिंग की तैयारी जो है ये चल रही है। लगातार एक के बाद एक को डिटेन किया जा रहा है।